है आप सबका। आज मैं बनाने जा रही हूँ गजरेला यानी गाजर की खीर। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपके साथ अपनी इस रेसिपी को शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले चूल्हा ऑन किया। अभी मैंने 4-5 गाजर लिए, इनको अच्छी तरह वाश करके कद्दूकस कर लिया। अभी इनमें थोड़ा सा पानी डालकर इनको गलने के लिए रख दिया और जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें दूध डालूंगी और फिर इसके साथ चावल डालूंगी। अब ये पानी खुश्क हो गया, अब मैं इसके अंदर दूध डाल रही हूँ। अब मैंने 4 लीटर दूध डाल दिया। तो चावल मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो के रखे थे, तो अब इनको आग के साथ ऐसे थोड़ा सा कर लूँगी। अब इसके ऊपर से मैंने इसके अंदर 4-5 गाजरें डाली थी, क्योंकि मुझे गाजरें थोड़ी और दूध और चावल ज़्यादा वाइट वाइट अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को गाजरें ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैंने चावल भी डाल दिए और गाजरें भी डाल दिया। अब इसको मैं 7-7 चम्मच हिलाती रहूँगी। ऑलमोस्ट दूध खुशक हो चुका है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट और करूँगी तो फिर इसके बाद खीर रेडी है। अब मैं इसके अंदर बादाम डाल रही हूँ। मुझे सिर्फ बादाम ही पसंद है, मैं बादाम डाल रही हूँ। आप अगर चाहें तो पिस्ता डाल लें, कोकोनट डालें, किशमिश डाल लें, आपकी मर्ज़ी, जो चाहें आप डालें। मेरे बच्चे खाते नहीं है इसलिए मैंने वो डाला नहीं है। इसके अंदर चीनी डाल दी। मेरे पास ये छोटा कप है और हमारी चीनी बहुत बिल्कुल बारीक है। मैं 3-4 डालूंगी, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से चीनी डालना। अब ये रेडी हो गई है। अब थोड़ी सी ठंडी हो ले तो फिर इसको मैं डिश आउट। अब मैंने डिश आउट कर ली है। अब मैं इसमें थोड़े से बादाम लगाऊंगी। अब मैंने इसको बादाम से डेकोरेट कर दिया है, क्योंकि मेरे बच्चे खाते नहीं है पिस्ता, कोकोनट, किशमिश वगैरह, इसलिए मैं डालती नहीं हूँ, मैंने यही डाला है। तो ये आप बनाएं, इसको बनाना बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी है। तो आप, ये मेरी रेसिपी थी, मैंने आपके साथ शेयर की और आप मुझे बताना कि कैसी बनी है। और अपनी दुआ में मुझे याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।